2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयारी में जुट गई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी में 73 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य पार्टी को दिया है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठन में फेरबदल करके कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रमोट किया जा रहा है, साथ ही बागी कार्यकर्ताओं नेताओं पर गाज गिरनी तय है। सूत्रों की माने तो आम चुनाव से पहले बीजेपी मौजूदा 2 दर्जन से अधिक सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में है। इनमें कई बहुजन सांसद भी पार्टी के निशाने पर हैं। बीजेपी और आरएसएस की तमाम बैठकों के बाद सामने आया है कि यूपी में कई ऐसे बहुजन सांसद हैं जिनको लेकर पार्टी में नाराजगी है। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी के टिकट पर 17 बहुजन सांसद चुनाव जीते थे। इनमें से कई निष्क्रिय हैं और कुछ ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इनमें सबसे ऊपर नाम बहराइच की बहुजन सांसद सावित्री बाई फूले का है। फूले ने बहुजन मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर मोर्चा खोल रखा है। वो आरक्षण के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ लखनऊ में बड़ी रैली कर चुकी हैं, साथ ही आए दिन बयानबाजी करती रहती हैं। खबरों के मुताबिक बीजेपी इस बार मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्रा, उमा भारती, नीलम सोनकर, अंजू बाला, अंशु वर्मा जैसे बड़े नामों के टिकट काट सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन बहुजन सांसदों को SC ST एक्ट के खिलाफ बोलने की सजा दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।